हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्रोडक्ट रिव्यू, और आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है फेसेस कनाडा का अल्टीमेट प्रो इंटेंस जेल काजल। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगी। और मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इसके पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ आप सब तक पहुँचे। और मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग से। तो जो इसकी पैकेजिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दोनों तरफ कैप है, एक तरफ काजल है और दूसरी तरफ स्मजर है। और जो कैप है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है, और इसके साथ शॉर्पनर भी दिया हुआ है। और जो भी डिटेल्स है इनकी काजल की, कि स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इंटेंस कलर है, ये सारा इन्होंने इस पे मेंशन किया हुआ है। एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सारा कुछ इस पे मेंशन है। ऑल ओवर मिलाकर इसकी पैकेजिंग अच्छी है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो जो इसका प्राइस है वो है 549 रुपीज़, लेकिन अभी क्योंकि नायका पे सेल चल रही है तो ये मुझे पड़ा था 412 रुपीज़ का। अब बात करते हैं इसके स्टिंग पावर की। तो जो इसका स्टिंग पावर है वो 4 से 5 घंटे है। अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो नॉर्मल जैसे काजल आप अप्लाई करते हैं, ये वैसे ही इसको भी अप्लाई करना है अपने आईज़ के अपर या लोअर लैश लाइन, जहाँ पे भी आपको लगता है आप इसको पसंद करते हैं लगाना, आप वहाँ लगा सकते हैं। इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी है, तो बहुत ही आराम से ये अप्लाई हो जाएगा आपकी आईज़ पर। तो इसको अप्लाई करना काफ़ी ईजी है। अब बात करते हैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, कि मैंने ये काजल यूज़ किया और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो गाइज़, मैं बताऊँ कि मेरा ऑल ओवर मिला के एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, मुझे बहुत अच्छा ये काजल नहीं लगा। इसके पहले मैंने एक काजल और ऑर्डर किया था, वो शिमर लंदन का था, लेकिन उसके ही जैसा मुझे ये काजल लगा, बट उसका जो प्राइस था वो इससे कम था। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा मुझे ये ओवर प्राइज्ड लगा, इससे कम प्राइस में मुझे और अच्छे काजल मिल जाएंगे, जो कि इससे ज़्यादा स्टेइंग पावर उनका है और इससे ज़्यादा देर तक वो स्मज प्रूफ रहेंगे। जैसे कंपनी क्लेम करती है कि ये स्मज प्रूफ है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि ये स्मज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा 1 से 2 घंटे के बाद अगर आपने आईज़ अपनी रब की, तो ये बहुत आराम से स्मज हो जाएगा। इवन अप्लाई करते वक्त भी अगर आपने ब्लिंक किया, तो ये अगर थोड़ा थिक काजल लगाया, जैसे कि मैंने स्मोकी आई इस काजल को ही अप्लाई करके लगाया था, और मेरी ये लिड एरिया पे ये पूरा लग चुका था, मुझे उसे क्लीन करना पड़ा। तो अगर आप थोड़ा थिक काजल लगाते हैं तो आप मेक श्योर कि अपनी आईज़ ब्लिंक नहीं करें, अदरवाइज़ ये लिड एरिया पे लग जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा फिनिश हो गया, ये मैंने फर्स्ट अप्लाई का दोनों आईज़ पे किया था और ये पूरा फिनिश हो गया। तो अब इसको शॉर्पनर से करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक चीज़ ये भी लगी कि बार बार इस तरह से अगर करती हूँ, इतनी जल्दी ख़त्म होता है, तो इस वेस्ट भी बहुत होगा। बार बार शॉर्पनर करोगे तो ये ऑब्वियसली इसका थोड़ा वेस्ट पार्ट भी जाएगा, तो ये भी मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा। और काजल जो है वो बहुत इंटेंस है, बहुत ही डार्क कलर है, तो आपको एक अच्छा स्मोकी आई मिलेगा। अगर काजल लगाते हैं तो एक अच्छा काजल का जो इफेक्ट चाहिए होता है, बिल्कुल डार्क ब्लैक वैसा मिलेगा। बट इस और इसका ये जो बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये स्मजर दिया हुआ है, तो इससे आप अपनी आईज की अपर लोअर लैश लाइन पे स्मज कर सकते हैं, ये इसका अच्छा पार्ट है। और इसको अप्लाई करना मुझे ईजी लगा, अदरवाइज मुझे ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं अच्छा लगा। और इसमें से थोड़ा सा मुझे लगा कोकोनट ऑयल की स्मेल भी आ रही है। सो गाइस, अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देती हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो इसमें जो प्रोज में ये है कि इसके साथ एक स्मजर आता है, जो कि इसका अच्छा पार्ट है। आप स्मोकी आई बहुत आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं स्मज करके। दूसरा, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी क्रीमी है, तो बहुत ईजिली आपकी आईलाइनर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन लोअर लैश लाइन पे भी काफ़ी ईजिली आराम से अप्लाई होगा, तो जो बिगनर है उनके लिए ये बहुत अच्छा काजल है। दूसरा, इसके साथ एक शॉर्पनर आता है, और इसके जो कोई लगाने के बाद आँखों में कोई इरिटेशन वगैरह आपको नहीं फील होगी। इसका जो शेड है वो काफ़ी डार्क ब्लैक है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। आपको अगर स्मोकी आई बनानी है तो इससे आपकी आईज़ काफ़ी अच्छी और अट्रैक्टिव लगेंगी। तो ये इसके प्रोज हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो जो इसका कॉन्स जो मुझे सबसे ज़्यादा लगा कि ये ओवर प्राइज्ड मुझे लगा। दूसरा ये कि स्मज प्रूफ नहीं है, ईजिली 1 से 2 घंटे के बाद आपकी आईज़ अगर आपने रब की तो स्मज हो जाएगा आईज़। थोड़ा सा पांडा लुक आपकी आईज़ को आएगा, आपकी आईज़ थोड़ा पांडा जैसी लगने लगेगी, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। और इसको अगर थिक आपने ऊपर अप्लाई किया तो ये आपके आईलिड एरिया पे भी लग जाएगा, तो ये क्विकली ड्राई नहीं होता है, क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी है। दैट्स वाई आई थिंक ये ऐसा होता है कि आपने अप्लाई किया तो ये आपके आईलिड एरिया पे भी लग जाएगा। तो ये सारे मुझे इसके कॉन्स लगे। सो गाइज, ऑल ओवर मिला के मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक था इस काजल को लेके, बहुत ज़्यादा ऐसा इंप्रेसिव नहीं था। बट अगर आपका बजट अलाउ करता है और आपको ये ब्रांड पसंद है, तो आप डेफिनेटली इसको बाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।